नमस्ते, बबलीज कैफेटेरिया में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे पिनव्हील मेथी मटरी और वो भी फ्रेश मेथी लिप्स के साथ, जो कि आप त्योहारों के मौके पे मतलब होली या फिर दिवाली में बना सकते हैं, या फिर शाम को चाय के साथ भी बना के इसे खा सकते हैं। तो चलिए अभी मेथी मटरी बनाना स्टार्ट करते हैं। मटरी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा। मैदा की जगह पे हम गेहूं का आटा का भी यूज कर सकते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून अजवाइन, जिसको हम अच्छे से हाथ से मसल के डालेंगे तो अच्छा फ्लेवर भी आएगा और ये डाइजेशन के लिए भी हेल्प करेगा। फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक। फिर इसको हाथ से अच्छे से मिलाएंगे और इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल। फिर हम इसे अच्छे से मसलेंगे एक से दो मिनट तक, जब तक ये हाथ में ऐसा करने से हाथ में पूरा आना जाए। फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और उसका एक सख्त आटा गूंध लेंगे। अभी हमारा डो बनके रेडी हो गया। अभी हम इसे कवर करके 5 मिनट रख देते हैं और उसी टाइम के अंदर हमारा स्टफिंग की तैयारी कर देते हैं। मैंने यहाँ पे 1/2 कप मेथी को अच्छे से धो के साफ करके छोटा छोटा काट के ले लिया है। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर। अगर कोरिएंडर पाउडर नहीं है तो उसकी जगह पे हम कोरिएंडर लीव्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके साथ जाएगा थोड़ा सा नमक और उसके साथ 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। इस सबको अच्छे से मिला लेंगे। पहले वो थोड़ा सा ड्राई रहेगा, लेकिन उसके बाद जब थोड़ा नमक डालने की वजह से थोड़ा पानी छोड़ेगा तो वो अच्छे से बनके तैयार हो जाएगा। 5 मिनट के बाद हमारा स्टफिंग अच्छे से रेडी हो गया है। अभी 5 मिनट हो गया, उसका डो का कवर को निकाल के उसको 1-2 मिनट के लिए फिर से गूंद लेंगे और डो का 2 हिस्सों में बांट लेंगे। उसका एक पार्ट लेंगे और थोड़ा सा मैदा छिड़क के एक बड़ा साइज का चपाती बना देंगे। वो कुछ इस तरह का पतला रहना चाहिए, ज़्यादा मोटा नहीं। उसी चपाती के ऊपर हम 1 स्पून तेल लगा के अच्छे से चारों तरफ स्प्रेड कर देंगे। फिर उसके ऊपर जो स्टफिंग लिए थे वो स्टफिंग का 1/2 हम अच्छे से लगा देंगे, जैसे कि वो मसाला अच्छे से चारों तरफ से चपाती के ऊपर लग जाए। उसके ऊपर थोड़ा सा मैदा फिर से छिड़क देंगे और वो ये जो मैदा रहेगा वो अच्छे से ग्लू के जैसा काम करेगा रोल करने के टाइम। फिर इसका एक टाइट रोल बना देंगे। अगर ये रोल टाइट नहीं रहेगा तो अंदर जो स्टफिंग है वो निकल जाएगा। फिर चाकू की मदद से 1-1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में उसको काट लेंगे।
देखिए अभी कितना सुंदर से अच्छे से लेयर भी आया है इसमें। फिर उसको थोड़ा सा एक बार रोल कर देंगे। अभी इस तरह से सारा बेल के तैयार कर देंगे। ये देखिए कितना अच्छे से लेयर होके सब चक्री जैसा बन गया है। मैंने यहाँ पे पहले से तेल गरम करके ले लिया है। अभी एक एक करके सारा मटरी को तेल में फ्राई करेंगे और वो भी लो फ्लेम में। हम तब तक इसे फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अभी ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। अभी इसको निकाल के एक टिश्यू के ऊपर रख देते हैं। अभी इस तरह से हम सारा मटरी को लो फ्लेम में फ्राई कर लेते हैं। अभी हमारा सारा मटरी फ्राई होके रेडी हो गया। अभी हम इसे चाय के साथ सर्व भी कर लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छे से लेयर हो गया है आगे से भी और पीछे से भी। आप इसे पैक करके एयरटाइट कंटेनर में 1 महीने तक रख सकते हैं। ये कितना अच्छे से क्रिस्पी बना हुआ है मैं एक तोड़ के आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए अगर आप सबको मेरी ये पिन व्हील मेथी मटरी की रेसिपी अच्छी लगी तो आप इसे जरूर घर पे ट्राई कीजिए और आपके अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। और हाँ, उसके साथ साथ मेरे चैनल बब्लीज कैफेटेरिया को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक पहले पहुँच पाए। धन्यवाद।